बच्चों कैसे हो सारे के सारे बच्चों, हाउ आर यू डूइंग एवरीवन, हाय एवरीवन, हाउज एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग, कैसे हो सब, वेलकम टू दी क्लास, हेलो एवरीवन। शिवांश क्या है, 93.6%, 97 इन साइंस, वेरी गुड बेटा शिवांश, ग्रेट जॉब शिवांश। अपना ना मेरे को ईमेल कर देना, ये जो नंबर आया ना, मेरा ईमेल आईडी है अमृत, मेरा ईमेल आईडी है amrit.raj@vedantu.com, ठीक है, अपनी अपना परसेंटेज मुझे मेल कर देना तो मैं आपको ना लक्ष्य बैच की एक बार काउंसलिंग करवा दूंगा, ठीक है, हमारे टॉप टीचर से आपको बात कर लेना, अगर क्या पता आपको फ्री में वहां पे लक्ष्य बैच में एडमिशन भी मिल सकता है, ठीक है, परफेक्ट, ओके, वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइज। आज हमारा है दूसरा सेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, आज हम एक स्टेप आगे बढ़ के आज हम फाइलम्स देखेंगे, पोरीफेरा फाइलम, सीलेंटरेटा फाइलम, टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिंथस फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, मैं बता रहा हूं आप मेरी क्लास कर लो, आपको कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी जो क्लास की यू नो स्कूल में है ना बायो ऐसे मक्खन की तरह समझ आ जाएगी कि आप कहोगे वाह अमृतसर वाह मजा आ गया, ठीक है, मुझे क्लास 11th में बायो में बहुत दिक्कत हुई थी, बट मैं मेक श्योर करूंगा आपको बिल्कुल भी ना हो, ठीक है बेटा, तनु इट्स तनु, ठीक है बच्चे चले करें आगे। तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था पोरीफेरा के बारे में, है ना बेटा, हमने एनिमल किंगडम में देखा था भाई डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स, है ना बेटा, जैसे कि हम देखा था पोरीफेरा एक फाइलम है, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, ये चार फाइलम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, और बाकी एस्किलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोटेटा, कोटेटा, ये हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे के 2-3 क्लास में खत्म कर देंगे। चलो अब पहले बात बेटा देखो, आपको अगर याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई किसी भी एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्या आती भाई, भैया मेरा फोन वा भी हेल्प करना चाहता है, बट एनीवेज सबसे पहले देखा था कि भाई उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके अंदर कितने जर्मिनल लेयर्स हैं, उसकी सिमेट्री क्या है ना बच्चे, ये सब कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस हमने क्लासिफाई करा था। तो पहले देखते हैं कि भाई पोरीफेरा के अंदर ऐसे क्या क्या गुण है होने चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कि हम उसको पोरीफेरा में रखें। मान लो प्रिया यादव है ना, प्रिया यादव को हम पोरीफेरा कब कह सकते हैं तो हम देखेंगे, अगर शिवांश है, शिवांश को हम कहां पे डालें, पोरीफेरा में डालें, नाइडेरिया में, टीनोफोरा में, कहां पे प्लेस करें, ठीक है, तो ये क्या क्या कैटेगरीज मतलब क्या क्या मतलब गुण होने चाहिए शिवांश में ताकि हम उसको नाइडेरिया में डाल सके, तो ये हम देखेंगे, समझ रहे हो मैं क्या बताने जा रहा हूं अभी, कि भाई अगर पोरीफेरा कहलाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है बेटा अक्षत समझे, सही है, ठीक है चले, चलो ध्यान से देखो, पोरीफेरा बेटा मतलब होता है स्पॉन्जेस, ठीक है, पोरीफेरा क्या होते हैं भाई, स्पॉन्जेस होते हैं, पहला बस यही सवाल आएगा कि भाई पोरीफेरा में कौन होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है भाई स्पॉन्जेस होते हैं, अब इनमें क्या होता है बेटा, ये जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स, इनमें ना टिश्यू होता है ना ऑर्गन होता है ना ऑर्गन सिस्टम, बस कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, दे आर जनरली मरीन, मरीन मतलब सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, ये भैया एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो एसिमेट्रिकल है, मतलब किसी भी एक्सिस में हम इनको नहीं काट सकते, बेटा मैं नीट का बता रहा हूं अमित, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ लो, नीट आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर दीज आर मल्टी सेलुलर, इनमें देखो सेल्स बहुत सारे हैं बट टिश्यूज नहीं बनाते, दे हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं ये, ठीक है बेटा, ये डायग्राम देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि भाई मैच द डायग्राम विद द ऑर्गेनिज्म, ये क्या है साइकॉन, ऐसा साइकॉन दिखता है, यूस्पॉन्जिया है ये है स्पॉन्जिला, ये डायग्राम से इनको देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है कर लोगे, ठीक है ना, डायग्राम देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला स्पॉन्जेस हैव अ
वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। जितने भी पोरीफेरा हैं उनके अंदर क्या होता है भाई, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। मतलब ध्यान से देखो, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें से वाटर अंदर जाता है, इन टू द बॉडी वॉल, इन टू अ सेंट्रल कैविटी। मतलब जैसे कि देखो ये ऐसे है, ठीक है बच्चे, ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इनमें से पानी अंदर जाता है और यहां से बाहर निकल के आता है, यहां से पानी अंदर आता है, पानी अंदर आता है और यहां से बाहर निकल जाता है, समझ रहे हो। ये जो पोर्स है इसको कहते हैं ऑस्टिया, ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम से बाहर आती है, बड़ा सा जो पोर है इसको कहते हैं हम ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम से पानी बाहर आ जाता है, और ये जो बीच की कैविटी है इसको कहते हैं हम स्पॉन्जोसील। समझे मेरी बात को, समझ आई बच्चे, कि मान लो ये स्पॉन्ज है, दिख रहा है यहां से पानी अंदर जा रहा है, यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल के आ रहा है, ये है ऑस्क्यूलम, ये जो छोटे छोटे पोर्स है ये है ऑस्टिया, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। तो इसकी खासियत क्या है भाई, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है भाई कि इसके अंदर कैनाल सिस्टम है, इसके अंदर पोर्स है कॉल्ड एस ऑस्टिया, है ना, इसके अंदर स्पॉन्जोसील नाम की कैविटी है, ठीक है। इसकी एक और बेटा खासियत होती है जिसको नाम है कॉलर सेल, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे सेल, ये होते हैं कॉलर सेल, ठीक है बच्चे, अभी देखते हैं इनकी खासियत क्या है। ना दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब देखो ये जो पानी है, दिख रहा है आपको पानी यहां से निकल, कैसे निकल रहा है पानी, ऐसे जाके निकल रहा है, तो क्या होता है जब पानी जा रहा होता है बेटा, ये दिख रहा है कॉलर सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज खोवैनोसाइट, कौन है कॉलर सेल, इनका नाम है खोवैनोसाइट। ये क्या करते हैं, ये फूड को ट्रैप कर लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और वेस्ट को फेंक देते हैं, समझ रहे हो। तो स्पेशलिटी क्या है भाई, सबसे पहले तो ये वाटर कैनाल सिस्टम है, पानी जब जाता है ये कॉलर सेल्स क्या करते हैं भाई, फूड को पकड़ लिया, है ना, गैस को पकड़ लिया या फिर कुछ भी पकड़ लेते हैं, वेस्ट को वापस फेंक दिया, समझ पा रहे हो बेटा। ये देखो ये ऑस्क्यूलम, पानी यहां से आता है और ऐसे निकल जाता है, पानी यहां से आता है और ऐसे निकल जाता है, और बीच में ये दिख रहा है कॉलर सेल, ये बेटा ऐसे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इस तरीके के हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कॉलर सेल्स, देख रहे हो ये कॉलर की तरह बना हुआ है, तो इसे कहते हैं हम कॉलर सेल्स, ये खाने को पकड़ लेता है एंड अब्सॉर्ब्स न्यूट्रिशन, मजेदार। तो पोरीफेरा का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ भाई, प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल्स और खोवैनोसाइट, इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, इसमें कॉलर सेल्स या फिर क्वेनोसाइट भी प्रेजेंट है। ओके, स्पॉन्जोसील मतलब ये जो कैविटी है, दिख रहे हो ये खाली जो कैविटी है इसको कह रहे हैं स्पॉन्जोसील, और यहां पे साइड साइड में हमारे कॉलर सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है बालको, ठीक है भाई, थोड़ा आगे चलते हैं। ना डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर होता है, एक्सक्यूज मी, ओ गॉड, एक्सक्यूज, ओ ठीक है। नाउ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, मतलब इसकी बॉडी में क्या होता है बेटा, स्पाइक्यूल्स, छोटे छोटे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइक्यूल्स हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, ठीक है। ना सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल सेम ही है, दे आर हर्माफ्रोडाइट, एग्स एंड स्पर्म प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, मतलब भाई इनमें मेल और फीमेल अलग नहीं है, दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। ना स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब भाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। मान लो मैं एक स्पॉन्ज हूं, अगर मैं एक बॉडी टूट जाए तो हर पार्ट में से एक नया स्पॉन्ज बनके निकल आएगा, ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन इनकी कहां होती है, इंटरनल, मतलब जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के को बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज करेगा, ठीक है भाई। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वा स्टेज, बेटा देखो जब भी आपकी आपके अडल्ट स्टेज में ना लार्वा आता है, जैसे कि आपने फ्रॉग देखा होगा, है ना, फ्रॉग में क्या होता है, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग अपना गैमीट पानी में छोड़ता है, फीमेल फ्रॉग अपना गैमीट पानी में छोड़ता है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल गैमीट पानी में मिलते हैं, वुमेन की बॉडी के अंदर नहीं मिलते,
ठीक है, चलो ये बात हटाओ, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहां पे क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बट अब फ्रॉग के केस में क्या होता है भाई, गैमीट से फिर जाइगोट बनता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट कन्वर्ट होता है एक टैडपोल में, फिर ये टैडपोल बनता है फ्रॉग, समझ रहे हो। अब जो टैडपोल होता है ना, वो बेटा लार्वा होता है फ्रॉग का, मतलब वो ऐसा दिखता है कुछ, अगर आपने देखा होगा टैडपोल लुक्स समथिंग लाइक दिस। और फ्रॉग हमें पता ही है, फ्रॉग कुछ ऐसा दिखता है भाई, बड़ा सा है ना। तो देखो टैडपोल एकदम अलग है और फ्रॉग हमारा एकदम अलग दिखता है, तो समझ रहे हो। तो द अडल्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यंग वंस लार्वा। तो ऐसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि देखो ह्यूमंस का क्या होता है, जब हम बेबी होते हैं तब भी हमारे दो हाथ दस उंगलियां, पैर दो पैर दस पैर की उंगलियां होती है ना, एक नाक होती है ना, दो कान होते हैं, तो सेम ही रहते हैं अडल्ट और बेबी में भी, ह्यूमन में। बट बेबी फ्रॉग देखो ऐसा होता है, अडल्ट फ्रॉग देखो ऐसा होता है, दो लेग आ जाते हैं, समझ लो। तो ऐसा जब भी लार्वा स्टेज होता है, जब लार्वा इज समथिंग विच इज डिफरेंट देन द अडल्ट, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें क्या है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर अडल्ट। लार्वा स्टेज है जिसमें जो अडल्ट है उसकी फिजिकल अपीयरेंस लार्वा से अलग है, ठीक है, परफेक्ट। चलो अब आगे देखते हैं। फिर बेटा एग्जाम्पल मैंने बताया था, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं, यू स्पॉन्जिया को बेद स्पॉन्ज कहते हैं, साइफा इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकॉन, ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ये आ जाएगा कि भाई मैच करो इनको, ठीक है, कर लोगे बेटा। एग्जाम्पल्स प्लीज एक ए फोर शीट में इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल लिख लेना और उसको बार बार देखना, इससे क्या होगा आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। शिवम कश्यप वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं ना। अब बेटा समझ आ गया पोरीफेरा, पोरीफेरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, पहला है उसके उसके कैनल सिस्टम है, उसके अंदर कॉलर सेल है, उसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, खत्म बस, ठीक है, इतना देख लो थोड़ा सा, उसके एग्जांपल्स देख लो, है ना, परफेक्ट। अब आ जाओ बेटा दूसरा फाइलम जिसका नाम है सीलेंटरेटा या फिर नाइडेरिया, ये है हमारा दूसरा फाइलम। अब इसके क्या गुण है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो, ये टिश्यू लेवल है, मतलब यहां पे टिश्यूज बन चुके हैं, पोरीफेरा में बस सेल्स थे, यहां पे टिश्यू बन चुके हैं, वेरी गुड बेटा प्रिया पाठक। फिर वो एसिमेट्रिक था, ये रेडियल सिमेट्री है इसमें, रेडियल मतलब अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि आप इसको किसी भी एक्सिस में दो इक्वल पार्ट में काट सकते हो, जैसे कि अगर आपको मेरे को दो इक्वल पार्ट में काटना है तो बस इसी एक्सिस में काट सकते हो, बट नाइडेरिया को आप किसी भी एक्सिस में काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो या फिर ऐसे भी काट सकते हो, या फिर ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। अगर आप मुझे दो इक्वल पार्ट में काटना चाहते हो तो बस इसी एक्सिस में काट सकते हो, ऐसे काटोगे तब भी ऊपर सर हो जाएगा, नीचे सर नहीं होगा, है ना, तो नहीं काट सकते इक्वल पार्ट में। तो ये रेडियली सिमेट्री है, मतलब इसको किसी भी एक्सिस में काट सकते हो। अक्वाटिक एंड मोस्टली मरीन, वो भी मरीन था पोरीफेरा भी, है ना बेटा, दे कैन बी सेसाइल एज वेल एज फ्री स्विमिंग, सेसाइल मतलब नॉन मोबाइल, मतलब कोई हिलने फिलने वाला नहीं है, या फिर वो स्विमिंग करने वाला भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब बेटा सीलेंटरेटा को ना नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, नाइडोब्लास्ट कंटेन अ स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट ऑन द टेंटैकल्स एंड द बॉडी, मतलब ये दिख रहा है, ये जो जेलीफिश टाइप है, इसके जो टेंटैकल्स है ना बेटा, यहां पे ऐसा एक सेल है स्टिंगिंग, स्टिंगिंग मतलब डंक मारने वाला, ठीक है, जैसे कि हनी भी स्टिंग कर देती है ना, उसी तरह इसके पास भी एक स्टिंगिंग सेल है, ये है वो स्टिंगिंग सेल, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द नाइडेरिया डिराइव्ड फ्रॉम द स्टिंगिंग सेल्स इन द बॉडी वॉल कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट, इसको क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल है इसके पास, जो क्या करता है, जो डंक मार देता है, अगर आप इसको छेड़ जाओगे इसको ऐसे काट लेगा, काटना मतलब ऐसे चोंच, मतलब वो कहते हैं डंक मार देता है और पॉइजन इंजेक्ट करता है। ये क्या हेल्प करता है, ये हमारे नाइडेरिया को हेल्प करता है फॉर कैप्चरिंग फूड, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग द फूड, वाह भाई वाह, ठीक है, और प्रोटेक्ट करने में भी, इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एनिमीज।
तो क्वालिटी क्या हुई भाई नाइडेरिया की? नाइडेरिया का स्पेशल कंडीशन है कि भाई इसके पास नाइडोब्लास्ट सेल होता है। नाइडेरिया का कंडीशन क्या है? नाइडोब्लास्ट। स्पोरीफेरा के पास कौन सा सेल है? कोएनोसाइट या फिर कॉलर सेल, इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल। कंफ्यूज मत होना, वो कहता है कोएनोसाइट और कॉलर सेल, ये क्या है? नाइडोब्लास्ट सेल है ना, और इसको कहते हैं नेमेटोसिस्ट भी कह सकते हैं। समझ आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, चलो बढ़िया। अब देखो एग्जांपल बेटा, ठीक है, एक होता है बेटा मेड्यूसा फॉर्म, एक होती है पॉलिप फॉर्म। मेड्यूसा मतलब होती है बेटा अम्ब्रेला लाइक फॉर्म, अम्ब्रेला लाइक फॉर्म, और पॉलिप होती है सिलिंड्रिकल फॉर्म्स। एक होती है पॉलिप सिलिंड्रिकल फॉर्म, मेड्यूसा होती है अम्ब्रेला लाइक फॉर्म। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं कि भाई ये अम्ब्रेला की तरह भी हो सकते हैं ऐसा, या फिर ये पॉलिप हो सकते हैं सिलिंड्रिकल इसके जैसा। ठीक है बेटा, देखो इसके टेंटैकल्स नीचे की तरफ है, इसके टेंटैकल्स ऊपर की तरफ है। चलो देखेंगे आगे। अब नाइडोब्लास्ट जो इसके सेल है आर यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। वो जो डंक मारने वाले सेल है उससे ये अपने आप को एंकर करती है, मतलब एक जगह पे खड़ी रहती है, या फिर डिफेंस की तरह यूज करते हैं जब कोई अटैक करता है उसको काट लेती है, या फिर प्रे कुछ खाने पीने की चीज को पकड़ने के लिए यूज करती है। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या है यहां पे देखो, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, मतलब इनके अंदर एक बीच में कैविटी होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर मतलब यहां पे डाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टो मतलब एक ही ओपनिंग है, यहां से खाना जाता है और यहां से वेस्ट निकल के आता है। समझ बेटा, तो इसकी सेम ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है, खाना यहां से आएगा और यहीं से वेस्ट मेटेरियल निकल के जाएगा। समझे? Yes. अब आगे देखते हैं, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन भाई बाहर भी होता है सेल्स के, मतलब इस कैविटी में भी डाइजेशन होता है, एक्सक्यूज मी, और डाइजेशन जो सेल्स होते हैं इसके आसपास वहां पे भी होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सर, सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं भाई जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का है। वाह वाह वाह। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड एज पॉलिप एंड मेड्यूला। नाइडेरियन की दो बॉडी फॉर्म होती है, बताया पॉलिप मतलब सिलिंड्रिकल, मेड्यूसा मतलब भैया ऐसा, क्या कहते हैं अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, इसका माउथ अप है, सिलिंड्रिकल का माउथ ऊपर की तरफ है, इसका माउथ नीचे की तरफ है भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, नाइट ये बेटा बहुत ही एग्जाम में आएगा कि भाई ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन किस फाइलम में होता है, आप कहोगे नाइडेरिया में। फिर आप पूछोगे सर ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या है, ध्यान से सुनो। पॉलिप जो है प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा एसेक्सुअली, और मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली, मतलब समझे, पॉलिप जो है वो मेड्यूसा को बनाता है एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। इंटरेस्टिंग, हां जी। पॉलिप इज अ सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा डायमशिया। पॉलिप का एग्जांपल क्या है बेटा? सेसाइल मतलब मूव नहीं करता, सिलिंड्रिकल है, और एग्जांपल है हाइड्रा अडायमशिया। मेड्यूसा क्या है? अम्ब्रेला शेप्ड है और ये स्विमिंग करके घूमता फिरता रहता है। ठीक है, और हमने क्या जाना भाई, जो पॉलिप है वो मेड्यूसा बनाता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मेड्यूसा है वो पॉलिप बनाती है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल ओबेलिया ऐसा करता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस, बेटा कुछ मुश्किल नहीं, अंकिता आप मेरे साथ पढ़ लो, मेरे बच्चे मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। यस, आर यू अंडरस्टैंड गाइस? यस वेंकटेश, डेफिनेटली पा, यस डिड अंडरस्टैंड। सो पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, और मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, है ना बेटा? राज कह रहे एग्जांपल याद नहीं होते, मैं वही तो कह रहा हूं बेटा, एग्जांपल याद करने की टेक्निक क्या है, निंजा टेक्निक, उसको लिख लो, एक A4 पेपर पे लिख लो और रोज देखो, उसको रोज देखो तो याद हो जाएगा अपने आप। ये रोज या मल्टीपल टाइम रिवाइज करना एग्जाम से पहले। ठीक है, ओके
बेटा कोई बात नहीं बेटा, मोहम्मद जायद फाइट होती रहती है, मेरी भी फाइट, फादर से होगी फाइट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया? वेरी गुड। अब इस ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। दिस पॉलिप फॉर्मिंग मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्मिंग पॉलीसेक्सुअली इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस और ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो। ठीक है, परफेक्ट, यस, ओके, वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम्पल गाइज, मियांड्रीना इज कॉल्ड एज ब्रेन कोरल, पेनाट्यूला इज सी पेन, अडामशिया सी एनेमोन, गॉर्गोनिया सी पेन। बेटा इनका कॉमन नेम और दूसरा नेम दोनों याद कर लेना। यस प्लीज रिमेंबर मियांड्रीना ब्रेन कोरल, पेनाट्यूला सी पेन, इन दोनों को, यस बेटा प्लीज इन दोनों को याद कर लेना। मैच द फॉलोइंग में आता है, नीट एग्जाम में आएगा, मैच द फॉलोइंग में आपके किसी ना किसी टेस्ट में जरूर आ जाएगा। कर लोगे? यस गाइस, विल यू डू दिस? परफेक्ट, चलो आगे चलते हैं। है ना बेटा, देखो फाइसेलिया ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बेटा आता ही है, बहुत बार आया हुआ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। वेरी गुड बेटा वेंकटेश। नाउ कमिंग टू द थर्ड फाइलम, मजा आ रहा है? पहले बताओ मजा आ रहा है, इजी लग रही है चीजें कि नहीं? यस बच्चों बताओ मजा आ रहा है और चीजें इजी लग रही हैं? है, वेरी गुड। धनुष को अच्छा लग रहा है, प्रिया को लग रहा है। बेटा मैं बता रहा हूं, ठीक है, दुनिया इसको मुश्किल चैप्टर बनाती है, मैं आपको ऐसा प्यार से पढ़ा दूंगा और आपको कि वाह सर मजा आ गया, समझ आ गया, पेपर में भी आप फोड़ के आओगे। ठीक है, परफेक्ट। और किसी को आपके दोस्त को बुरा लग रहा है, मुश्किल लग रही है बायो में, ठीक है, तो मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरी क्लास 10th के बाद ना मैंने 11th में बायो ले ली, और मुझे पहले के चैप्टर इतने गंदे लगते थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इतने सड़े हुए चैप्टर लगते थे। बट आई नो सबको ऐसा लगता है, बट ट्रस्ट मी बेटा, इनसे नफरत मत करो, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इनको आराम से पढ़ोगे और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वेरी गुड, दीप्ति को मजा आ गया, परफेक्ट। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई टीनोफोरा, ये नाइजीरिया का भाई है। ठीक है, इसको कॉमनली कहते हैं वॉलनट या फिर कोम जेलीज भी कह सकते हैं, सी वॉलनट या फिर कोम जेलीज भी कह सकते हैं। बेटा ये क्या है, मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब बस मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। मरीन मतलब होता है सॉल्ट वाटर, दूसरा कौन सा होता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जो पी सकते हो रिवर वाला, मरीन मतलब ओशन वाला पानी, वो आप पी नहीं सकते। ठीक है बेटा, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू आर्यन खान। ना इनकी क्या है भाई, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल मतलब एज आई टोल्ड यू, यू कैन कट देम इन एनी एक्सिस, है ना बच्चे, किसी एक्सिस में काट सकते हो। ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्मिनल लेयर है, इसमें और नाइडेरिया में, दोनों में। इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिटर जो भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब आ गया तो इनका बेटा क्या है क्राइटेरिया, बायोल्यूमिनेसेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब ये अंधेरे में चमकते हैं। टीनोफोरा का क्राइटेरिया क्या है भाई, ये बायोल्यूमिनेसेंट है, ये अंधेरे में चमकते हैं। ठीक है, ये इनका कैटेगरी एग्जाम में आएगा, विच ऑफ देम हैज बायोल्यूमिनेसेंस, टीनोफोरा, नाइडेरिया, पोरीफेरा, प्लैटीहेलमिंथस, बताओ। आंसर है हमारा टीनोफोरा। ठीक है भाई, द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन, मतलब इसके पास सीलिया की, सीलिया वाला प्लेट है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, समझे बेटा, इसके पास 8 सीलिया की प्लेट है, कॉम है, जो कि इसको मूव कर, हेल्प करती है मूवमेंट में, समझे बच्चे। ठीक है भाई, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एमिट लाइट, वेल मार्क्ड बाय टीनोफोर, मतलब बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, अबिलिटी टू एमिट लाइट, वो हम टीनोफोरा में दिखते हैं। और क्या स्पेशलिटी है भाई, इसके पास 8 कॉम प्लेट है जिनमें सीलिया है जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, विच इज हेल्पिंग इट टू मूव, परफेक्ट, बताओ इजी और नॉट? है ना बच्चे, लास्ट में आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू, ठीक है, बी प्रेजेंट टिल द एंड, आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल, यू हैव टू आंसर। बच्चा पूछ रहा है, आयुष पूछ रहा है सीलिया क्या होता है बेटा, सीलिया बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि मूव करने में हेल्प करते हैं, सीलिया इज स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन मूवमेंट, ओके,
डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह डाइजेशन होता है. इंट्रा सेलुलर मतलब एक कैविटी जो है ना वहां पे. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. याद करो देखो बेटा, जहां जहां ये आपको ओनली दिखे ना, ये तो मार्क कर लिया करो, ये पेपर में पूछेंगे आपसे, नीट में, स्पेशली नीट में पूछेंगे. धनुष पूछ रहा है सर फ्लैजिला क्या होता है. बेटा फ्लैजिला बड़ा सा होता है, देखो ये बड़ा सा फ्लैजिला होता है, ये बड़ा सा जो है इसको फ्लैजिला कहते हैं, जो छोटे छोटे है ना इसको सीलिया कहते हैं. समझ लो बड़ा सा हो गया ये फ्लैजिला होता है, ये छोटे छोटे सीलिया होते हैं. ठीक है आ गया, धनुष समझ आ गया बेटा. परफेक्ट. नो बेटा वो दैट इज डिफरेंट, सीलिया इज वेरी स्मॉल स्मॉल, इफ इट इज बिग विप लाइक इट इज फ्लैजिला. ओके धनुष अंडरस्टूड पा. नाउ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इट हैज indirect. Indirect development means there will be a larva form. There will be larva form. Perfect. Next one. Now example guys, Tenoplena and Pleurobrachia. Guys examples very very much important. They will give you which of them has bioluminescence. Cypha, tapeworm, Pleurobrachia, yes, Pistacula. Which of them has bioluminescence? Answer is Pleurobrachia. Okay, like that you have to study. Cool. Perfect. Next one. Guys, next phylum is, this is not this thing, Tenophora. It is Platyhelminthes. Platyhelminthes. Next one is Platyhelminthes. ओके प्लैटीहेलमिंथेस गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा, नाइडेरिया, फिर हमने पढ़ा भाई टीनोफ्लोरा, अब हम पढ़ रहे हैं प्लैटीहेलमिंथेस. ये बेटा इसको कहते हैं हम फ्लैट वर्म, इसको कहते हैं हम फ्लैट वर्म. इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म. एग्जांपल टेनिया, टेपवर्म या फैसियोला लिवर फ्लूक, इसके बारे में भी देखते हैं. ठीक है देखते हैं. अब देखो दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म. डॉर्सल बेटा देखो, डॉर्सल होती है बैक साइड, वेंट्रल होती है फ्रंट साइड, ये दोनों आगे पीछे से चपटे हैं. डॉर्सल साइड से भी चपटे हैं, वेंट्रल साइड से भी चपटे हैं. ओके डॉर्सो वेंट्रली फ्रंट साइड. ठीक है. मोस्टली एंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. ये एंडो पैरासाइट है मतलब ह्यूमन के अंदर जाके पैरासाइट की तरह रहते हैं, मतलब समझो ये हमारे लिवर में रहता है, लिवर फ्लूक. समझो बहुत खतरनाक है ये. They are bilaterally symmetrical. अब देखो, अब ये bilateral हो गए हैं. समझो बात को. ये bilateral मतलब आप इसको बस इसी एक्सिस में काट सकते हो, तभी ये दो पार्ट में बढ़ेगा. ऐसे काटोगे तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे. टीनोफोरा नाइडेरिया कैसे थे, वो रेडियल थे, आप उनको किसी भी एक्सिस में काट सकते, इसको आप एक एक्सिस में ही काट सकते हो, bilateral symmetry. बेटा प्लैटीहेलमिंथेस आप देखोगे ना, यहां से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होना शुरू हो जाते हैं. कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होना शुरू होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री आ जाती है इनमें. समझे डिप्लोब्लास्टिक मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक्सिस में काट लो. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म, उनको बस दो एक्सिस में ही आप काट सकते हो. ठीक है चलो अबे आ जाओ. जैसे मैंने बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और भाई साहब जैसे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम सीलोम की बात करते हैं, दे आर ए सीलोमेट. ए सीलोमेट मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी लाइन बाई मीसोडम नहीं है. ये बेटा जरूर आपके पेपर में आएगा कि भाई विच ऑफ देम इज ए सीलोमेट. आंसर इज प्लैटीहेलमिंथेस. विच ऑफ देम इज, इसका इस एग्जाम में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यस ए सीलोमेट. आंसर इज प्लैटीहेलमिंथेस. दे हैव organ level of organization, they have organs. इससे पहले क्या था, जब तक diploblastic से but tissues थे, अब क्या हो गया भाई, अब तो इनके पास organ आ गए. समझ रहे हो, जैसे ही ये diploblastic हुआ ये complicated organism होने लग गया, and they got organs. Hooks and suckers are present in the form, parasitic form. मतलब इनके पास hooks होते हैं और इनके पास क्या होते हैं बेटा, suckers होते हैं ताकि nutrients को suck कर पाए. इंटरेस्टिंग, समझ पा रहे हो बेटा, आप रिलेट कर पा रहे हो डिप्लोब्लास्टिक से जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए तब क्या हुआ.
है ना, इनकी सिमेट्री भी चेंज हो गई, बायलेटरल हो गए और ये एसीलोमेट हो गए। पहले हम सीलोम की बात ही नहीं कर रहे थे बेटा, लर्न धीरे धीरे होगा बेटा, हिमांशु धीरे धीरे होगा, हिमांशु जानी धीरे धीरे होगा, समझे मेरी बात को? एग्जैक्टली, सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। आप लिंक समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? है बच्चों, लिंक समझ पा रहे हो कि जैसे ही ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ यहां पे ऑर्गन आने लग गए, डिप्लोब्लास्टिक था तब बस टिश्यू बन रहे थे, तब हम सीलोम की बात भी नहीं कर रहे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम सीलोम की बात भी कर रहे हैं। सिमेट्री जब डिप्लोब्लास्टिक थी तब रेडियल थी, मतलब इजीली आप काट सकते हो, सिंपल ऑर्गेनिज्म था, अब ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म हो गया है, अब इसमें ऑर्गन बनना शुरू हो गए, है ना, मजेदार। चलो अब आगे आ जाओ ना, सम ऑफ देम अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, वो मतलब बॉडी सर्फेस से ही न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेंगे ये पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि भाई प्लैटीहेल्मिंथिस में एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, व्हाट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन प्लैटीहेल्मिंथिस, बताओगे ऑस्मोरेगुलेशन एंड दिस थिंग, सॉरी फ्लेम सेल्स करते हैं, ठीक है। आयुष पूछा है सर ट्रिप्लोब्लास्टिक का ऑर्गन से क्या लेना देना, बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, तीन लेयर आ जाती है ना, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। तो जब बेटा तीन जर्मिनल लेयर होता है तो मीसोडर्म जो है ना बेटा, ये ऑर्गन फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती है, समझे, ये मेनली ऑर्गन फॉर्मेशन में, इंटरनल ऑर्गन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, समझो। तो ऑर्गेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्ट्रक्चर उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दीप्ति पूछे सर फ्लेम सेल्स मतलब, बेटा एक तरह का सेल है, जैसे कि हमारे किडनी में सेल्स है ना, उसी तरह का एक तरह का सेल है जो कि एक्सक्रीशन में इनकी हेल्प करता है, ठीक है, परफेक्ट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में है। फिर फर्टिलाइजेशन बाय इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। देन डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें भी लार्वा बनता है। प्लेनेरिया पासेस पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब इनके पास रीजनरेशन होता है, मतलब अगर इनकी बॉडी कट जाए तो एक नया ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी से पार्ट से बन सकता है, अगर उनकी बॉडी कट जाए तो एक नया ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी के पार्ट से बन सकता है। इंटरेस्टिंग, यस इंटरेस्टिंग, प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, परफेक्ट। अब बच्चे पूछ सकते हो सर फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में फर्क क्या है, किसी को डाउट आया? सर पहले आपने कहा था कि नाइटेरिया में फ्रैगमेंटेशन होता है, यहां पे रीजनरेशन, फर्क क्या है? बेटा फ्रैगमेंटेशन की बात हम तब करते हैं जब बस टिश्यू लेवल तक हो, जैसे ही ऑर्गन बन जाता है, समझ रहे हो, तब हम रीजनरेशन कहते हैं। क्योंकि देखो बेटा टिश्यू मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल है, ऑर्गन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑर्गन बनाना थोड़ा मुश्किल है ना। जब ऐसे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, बॉडी कट के रिप्रोडक्शन करती है तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं, समझ रहे हो। बट उससे पहले वाले को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि भाई वो तो फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन हैपेंस इन सिंपलर ऑर्गेनिज्म, रीजनरेशन हैपेंस इन कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स। यस, थैंक यू बेटा तनिष। ओ माय गॉड, बच्चो तुम्हें देखा, तुमने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी, हमने चार फाइलम निपटा दिए आई गेस 40-50 मिनट्स के अंदर, मजेदार। यस, वेरी गुड। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक फटफट फटफट बताना मेरे को, ठीक है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, जल्दी बताओ कौन से सेल्स हो, चलो विच टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट द पोरीफेरा, बताओ विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट द पोरीफेरा, कॉलर सेल्स। What type of cells are present in the night area and what are they called as? क्या होते हैं? Nidoblast cells होते हैं। Alteration of generation means what and where is it seen? It is seen in ovalia and polyp produces medusa asexually and medusa produces polyp sexually. है ना, इसको कहते हैं alteration of generation और metagenesis भी कहते हैं, ठीक है? Yes, और कौन show करता है? ये ovalia show करता है। फिर टीनोप्लेना, टीनोफोरा का क्या है भाई, टीनोफोरा का क्या है, टीनोफोरा का बायोलुमिनेसेंस होता है, कॉम्प्लेट्स है जिसमें सीलिया है।
फिर हमने पढ़ा प्लैटियल मेंथेस जो चपटा है भाई आगे पीछे से, एसीलोमेट है, यहाँ पे टिश्यू शुरू हो जाता है, सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, फ्लेम सेल इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बस। और बाकी भाई बाकी क्या करना है बच्चे आप लोगों को, बाकी इन लोगों के जो भी मैंने आज आपको फाइलेंस पढ़ाया इसके एग्जांपल्स को लिख लो, उसका कॉमन नेम भी लिख लो क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है भगवान बेटा, इसका मतलब होता है जो मेल गैमेट है ना और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है वो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। फ्रॉग के केस में क्या होता है, मेल गैमेट पानी में डाला, फीमेल गैमेट पानी में डाल देते हैं और दोनों पानी में मिल जाता है, मतलब दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हियर द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग इंटरनली। ओके बेटा, वेरी गुड। उन्नति बेटा आप मेरे को ईमेल कर दो अपना नंबर, स्कोर कार्ड अपना, आपने जो स्कोर करा है ईमेल इट टू मी, आई विल ट्राई टू पुट इट इन अ लक्ष्य बैच, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, इफ पॉसिबल वी विल पुट इन अ लक्ष्य बैच, ठीक है। तो मेरा ईमेल आईडी है amrit.raj@vedantu.com, ठीक है, इस पे करो तो आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चे। एंड बाकी के बच्चे जो वेदांतु से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है बेटा, आपके लिए होमवर्क है, पहले तो होमवर्क मैं बताऊंगा, पहले जो भी बच्चे वेदांतु से पढ़ना चाहते हैं, इफ यू कैन सी ये हमारे वीडियो के नीचे अगर आप देखोगे है ना बच्चे, क्लिक शो मोर, हमारे वेदांतु में टू ईयर के कोर्सेज चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश बैचेस हैं, ठीक है बच्चे, आप एनरोल कर सकते हो इन बैचेस में, आपको पूरा का पूरा नीट का 2 साल का कोर्स कराया जाएगा, इसमें आपके डाउट्स, अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, और आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे टीचर के, ठीक है बेटा, लीडर बोर्ड होगा, क्विज होगा एंड टेस्ट, हर 15 दिन में टेस्ट होगा और पूरा का पूरा टीचर्स का सपोर्ट होगा। और वेदांतु बेटा ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसका रिजल्ट हर साल टॉप नॉच आता है, आप बच्चे अभी भी देख रहे हो जो कह रहे हैं हमने 95 स्कोर करा है, 97 स्कोर करा है, और ये हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, ठीक है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो, ऐसा अमेजिंग स्कोर लेना चाहते हो, और या फिर आपका ड्रीम है कि आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, क्लिक ऑन दिस। 2 साल की फीस है बेटा 14,850 रुपए। आप थोड़ा नीचे आओगे आपको दिखेगा ये AI लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, इसकी फीस है 14,000, बट अगर आप लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हो तो प्रो लाइट या प्रो क्लासिक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों बेटा लाइव बैचेस हैं, ये रिकॉर्डेड बैचेस हैं, ठीक है। एंड इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें आपको फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगी और डाउट सपोर्ट क्लास के बाद भी रहता है, इसमें इन दोनों में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी और सॉरी और PDF जो है इसमें बस आपको PDF मिलेगा तत्व का, ठीक है। तत्व क्या है बेटा, वेदांतु की स्टडी मटेरियल रेफरेंस बुक है, अमेजिंग बुक है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब चीज सॉर्टेड है, ठीक है। आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपको लगता है सर फीस थोड़ी ज्यादा है, मुझे EMI ऑप्शन चाहिए, तो वेदांतु में EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप बाय नाउ पे क्लिक करो, ठीक है, थोड़ा अपना गूगल इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपको ऑप्शन आएगा EMI करने का भी। EMI में आप 3,000 रुपीज पर मंथ पे करके स्टडी कर सकते हो, ठीक है गाइस, दिस कोर्स हैज हेल्प मेनी, अगर आपको लगता है तो आप एनरोल कर सकते हो, है ना। एंड यस, वेदांतु में इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी है, अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो हम आपकी पूरी की पूरी फीस वापस कर देंगे, ठीक है। तो गाइस, तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, पूरा का पूरा कोर्स तो मैं यहाँ पे भी कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो भाई मेरे से तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और आपका होमवर्क है, वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लैटी हेलमेंथेस, इसके एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइल मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।